जी हाँ माता और बहनों, एशिया का महान इंडियन सरकस जो कि एशिया के कोने कोने में तहलका और धूम मचाने के बाद आपके शहर के अंदर में बिल्कुल पहली बार, बिल्कुल पहली मर्तबा नए खेल और नए प्रोग्राम लेकर आए हैं दोस्तों। तो लीजिएगा, इसी के साथ ही साथ ये लगने जा रहा है सर्कस के ही प्रोग्रामों का पहला घंटी। सर्कस के खेल और प्रोग्रामों का पहला आइटम चालू करा दिया जाएगा दोस्तों। एक दो तीन इतना बन गया, बाकी तू बना। बैग रह गया था मेरा अंदर। अबे कोई बैग रह गया क्या अंदर? मैं सब यहीं रखा था बैग। देख रहा है ना? देख रहा है। सेठ, नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं यहीं रखा था, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। हम चोर हैं, डाकू हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर होता तो दे देते। निकलो, गुड नाइट। सात दिन हो गए इस गांव में, साला एक आदमी नहीं आया सर्कस देखने को। भाई की पिक्चर रिलीज हुई है, एक दो हफ्ते तक ऐसे चलेगा? दस साला। और अगले हफ्ते तो आईपीएल भी शुरू हो जाएंगे। सत्यानाश यार, ये 10-15 पब्लिक ये हो अभी नहीं आएगी। छोड़ना यार, पिछले महीने कौन सा आईपीएल था, ना ही कोई पिक्चर रिलीज हुई, तब हमारा शो कौन सा हाउसफुल जा रहा था। अपने नसीब में तो साला ये दाल भात ही लिखा है। भाई दाल भाजी सही, दो बगत का खाना तो नसीब हो रहा है। मेरा पैसा कौन लिया? किसने चुराया मेरा पैसा? तू लिया था भाई? मैंने लिया। किसने चुराया पैसे मेरे? अरे अंटी में दबा कर रखने चाहिए ना, अभी दो दौरा रखेगा तो कोई भी आस साफ करेगा। अभी आधे घंटे पहले मैंने बिस्तर के नीचे पैसे रखे थे, उठा लिया किसी मादर जात ने। ए, गाली वाली नहीं, मादर जात, जिसने मेरे पैसे लिए वो मादर जात, उसकी माँ मादर जात, उसका बाप मादर जात। ए, गाली किसको दिया तू? क्या क्या करेगा? ओए नहीं चुराए होंगे साले, जलता है मुझसे। हट, चोर कहेगा साला, कुत्ता भिखारी साले। देख लो सर, मार रहा मुझे। अभी आधा घंटा पहले मैंने बिस्तर के नीचे पैसे रखे थे, उठा लिए किसी हरामी के बच्चे ने। अरे सेठ क्या खुद चोर है, टेंट में उस लड़की का पर्स इसी ने उठाया। सेठ जब शो खत्म होता है ना, बैग छतरी चप्पल जो मिले वो उठा लेता है, आज मुझे बैग मिल गया तो इसकी झोला चढ़ा देख लो सेठ, फिर मार मैं। ओ कड़ू, कितने पैसे थे? 80 रुपए थे सेठ। सो जाओ सारे, सब सो जा, सो जा, तू भी जा। सब चोर है, सब चोर है।
दूध खत्म हो गया, शक्कर भी खत्म हो गया, रात का खाना भी मुश्किल से ही बनेगा। क्या क्या ले आऊँ? क्या क्या ले आऊँ? अपने नसीब में कौन सा दाल भात के अलावा कुछ है? 1 किलो चावल, 1/2 किलो दाल पकड़ लो, मांस मछली तो याद ही नहीं रही। अबे श्रावण का महीना चढ़ा है, मांस मछली खिलाएगा ना, पाप चढ़ेगा। भैया 1 किलो चावल और 1/2 किलो दाल। ₹136 दे दो। ये ₹4 वापस। ये खट्टी गोली दे दे। एक चाय। एक चाय देना। कौन है? इसी गांव का है? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, इस गांव का होता तो मैं ये बोर्ड लगाता। 1.5 घंटे पहले यहाँ पे उतरा बस से, तब से आके खा रहा। 80 पूरियां, 46 रोटियां, 1 किलो तरकारी, 2 लीटर कढ़ी पी चुका बकासुर कौला। क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। 100 आदमी का खाना बनाया था, अकेला 60 आदमी का खाना खा लिया है। राम जाने ये हराम खजाना कब तक खाता रहेगा। पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को लोग ना खुले में छोड़ देते हैं। मैं तो कहता हूँ इसको पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए। हाथी कौला शेट, पूरी खत्म हो गया, आटा मल दो क्या? अरे घुमा के मारूंगा अगला पट, चल अंदर। ओए चल उठ, चल चल, बहुत खाना है। सारा के चल 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 चल। जलेबी? अरे तेरी जलेबी है जो कुछ नहीं मिलेगा। अबे पब्लू, सबको अंदर भेज, ताबड़तोड़। अबे बुला सबको अंदर से जल्दी। आ गए मेरे शेर, एक सवाल करूं? अगर एक आदमी एक बारी में 15 पूरियां सटक जाए तो क्या यही समझेंगे कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी? और क्या, और उसके बाद वो 30 पूरियां सटक जाए तो कोई सर्कस का आदमी होगा। उसके बाद 30 नहीं 40 नहीं 50 नहीं 100 पूरियां अंदर, रुकता नहीं वो यहाँ पे। 60 टिक्कड़ अंदर, 10 किलो दाल भात अंदर, 15 मच्छी फ्राई, 5 किलो दही पी जाए, 5 किलो कढ़ी भी खा जाए, और मीठे में 10 नहीं 20 नहीं पूरे के पूरे 50 लड्डू खा जाए तो इतना तो कोई राक्षस ही खा सकता है। अबे राक्षस नहीं, इंसान, हमारे जैसा एक साधारण इंसान। ताज्जुब हो रहा है ना? ताज्जुब तो तब होगा जब बात पर यकीन होगा। अभी यकीन होगा मेरे यार, मेरे पास एक ऐसा आदमी है, हिज नेम इज सेसु। सेसु बेटा, सेसु, सेसु। आजाओ, ये है सेसु। जितना तुम सोच भी नहीं सकते ना, उससे कई गुना ज्यादा ये खा सकता है ना सेसु बेटा? हाँ। अबे देख क्या रहा है, इसको लेके जा, 2-3 बाल्टी पानी पिला। सेसु बेटा तुम जाओ, है? आराम करो, स्लीप टाइट। अबे हो गई डिबरी टाइट। हम अपनी सर्कस में एक नया आइटम पेश करेंगे, राक्षसी इंसान। किसी सर्कस में
अगर कोई राक्षसी इंसान हो जिसकी खुराक हाथी के समान है तो क्या तुम देखने जाओगे? लो, बीड़ी पीने के तो पैसे है नहीं, टिकट के पैसे कहाँ से लाओगे? बेअकल के दुश्मन, सोच के बोल, अगर पैसे होते तो जाता। जाता शायद, चले जाता, हम सब जाते। चले ही जाते क्या, उसमें जब होते पैसे तो। हम यहाँ पे 100 जनों का खाना बनाएंगे और हमारा सेसु अकेले सबका सब हड़प जाएगा। यहाँ भी लोग होंगे, वहां भी लोग होंगे, पूरा का पूरा तंबू खचाखच भरा होगा। है कई लोग बाहर से अंदर नहीं आ पाएंगे, क्यों? क्योंकि बाहर बोर्ड लगा होगा, हाउस फुल का तो बोर्ड भी ना है अपने पास। अबे मार इसके लपड़े। सेठ, कोई हो चाहे ना हो, मैं आपके साथ हूँ। मैं जाऊंगा सेठ। जे हुई ना बात, मैं भी, तू भी, मैं भी, मैं तो पक्का जाता सेठ। ऐसा करो, एक शो करके देख लेते, अगर सब सही रहा तो चांदी चांदी है, वरना दाल भात तो चल ही रहा है अपना जैसी आ रहा। ठीक है सेठ, ठीक है। बस एक छोटी सी समस्या है, हमें 4 दिन तक सेसु को खिलाना पड़ेगा। साला उसके पैसे मेरे पास नहीं है, और अगर सेसु को खाना ना मिला ना तो वो तो भाग जाएगा। तो फिर क्या, प्लान कैंसिल? ना रे, सिर्फ 4 दिन अगर तुम सब, मैं भी, यानी हम सब भूखे रहें और अपना खाना सेसु को दे दें तो बात बन जाएगी। अरे भैया, 4 दिन? अरे हमारा दम निकल जाएगा उसे खिलाते खिलाते, कोई नहीं मानेगा, क्यों भाई लोग? ओ नेताजी, ये मेरा सर्कस है, तेरा पार्लियामेंट नहीं है। भाड़ में गया तुम्हारा सर्कस। और तुम, मैं जा रहा हूँ, तुम में से कौन चल रहा है? तुम में से? भाड़ में जाओ सबके सब। अबे साले वापस ना आइयो, कल हाउसफुल भी होगा ना, ब्लैक में भी टिकट नहीं दूंगा। अरे अंदर रहने दो। मगर एक बात है, अब पता लगा 4 दिन भूखे रहे हम और वो खा पी के निकल लिया फिर। अबे यार, जिंदगी में आशावादी बनो, आशावादी। अरे सेठ, कम से कम दाल भात तो खाने को मिल रहा है यहाँ। अबे जिंदगी भर दाल भात ही सोचते रहना। अबे छोटे लोग और छोटी सोच, बड़े में जाओ, दिल के स्थाली। सेठ, अबे तो ज्ञानी, कुछ फिल्म शूटिंग वाले लोग आए, बस के लिए पूछ रहे थे, कुछ पैसे वैसे की बात कर रहे थे। मैं बोला सीधा सेठ से बात कर लो, भारी खड़े हैं, आप चाहो तो मिल सकते हो। ये अच्छा था। संतोष जी। राम राम जनाब। क्या है कि बगल वाली गांव में ना हम एक शूटिंग कर रहे हैं, तो हमारी एक बस की रिक्वायरमेंट थी, एक पुरानी टाइप की बस चाहिए थी, तो इसीलिए बात करने आए थे। भाई साहब, दिखती है पुरानी है नहीं, अभी ऐसा भागती है, ब्रेक लगाओ तो भी नहीं रुकती, आप कह रहे हो पुरानी क्या है? स्पीड से हमें क्या लेना देना भाई साहब, आपको बेचनी हो तो बोलो। 7 लाख? ठीक है जनाब, अपना रेट तो बताइए। देखिए भाई साहब, 1 लाख से 1 रुपया ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आप सोच लीजिए आपको बेचनी है तो, है ना? हेलो सेठ जी। हाँ बस 1 लाख तो बहुत कम बता रहे हैं। अरे अभी पिछले साल तो पूरा काम करवाया है, टनाटन है सारा। 1 लाख में कौन अपनी बस बेचेगा बताओ जरा। पर हमारी जरूरत तो 30-40 हज़ार ही है। ओ, मूंगफली के भाव में बस बेच दे, अपनी पागल हो गए? अरे बेचने की जगह एडवांस लो, शो करो, शो हिट, पैसा वापस और बस अपनी जगह की जगह। तो ये तो पार्लियामेंट में होना चाहिए था। तो क्या सोचा आपने भाई साहब? 1.5 लाख, 40 हज़ार एडवांस दे दीजिए। थैंक यू। हाउसफुल का बोर्ड बनवा ले अब तू। मैंने क्या समझा सेठ जी? क्या दोस्तों, एशिया का महान इंडिया टीजर का है, जो कि एशिया के कोने कोने में तहलका और धूम मचाने के बाद आपके शहर के अंदर में बिल्कुल पहली बार लेकर आया है एक नया खेल, एक अजूबा चमत्कार, जो कि इससे पहले न कभी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों और ना ही सुना होगा। एक राक्षसी इंसान जिसकी खुराक एक हाथी के समान है, हाथी के समान है। आपके शहर के अंदर में मत और आप भी देखें और अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर आएंगे। बिल्कुल पहली बार आपके शहर के अंदर में बिल्कुल पहली मरतबा इंडिया टीजर का है। इंडिया टीजर का है।
अंकल ये राक्षस वाले शो का टिकट मिलेगा क्या? इतने चाहिए? हेलो आ जाओ भाइयों आ जाओ सीधा सीधा आ जाओ सीधा सीधा रास्ते में खड़ा हूँ मैं आ जाओ सब लोग भाई लोग सब लोग आ जाओ फटाफट जल्दी आ जाओ टिकट काउंटर पे सब लोग लाइन में आ जाओ फटाफट। एक राक्षसी सांप जिसकी खुराक एक हाथी के समान है लेकर और बीच वाले एंट्री गेट में लाइन लगा अभी जल्द ही मिनटों के अंदर में ये प्रवेश द्वार खुलने वाला है। आप लोग टिकट लेंगे और हॉल के अंदर में प्रवेश होने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों। इस सर्कस के खेल और प्रोग्रामों का पहला घंटी लग चुका है दोस्तों। बनवाइयों ऐसे अजूबे चमत्कार को एक बार अवश्य आकर देखेंगे और आप अकेले नहीं अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर आएंगे दोस्तों। रोजाना सर्कस के 300 पेश किए जाते हैं दोस्तों। सेठ सेठ शेषु शेषु भाग गया। क्या कह रहा तू? अरे अच्छा खासा मैंने उसको तैयार किया। मैं 2 मिनट के लिए मन का मैं जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो। अबे झूठ बोल रहा है तू। दिखाई दे रहा दूर तक। अरे मुझे तो दूर दूर तक दिख रहा है। उड़ गई बस भी। अब खा लो डीलेक्स थाली। दूसरा केला की छोड़। कहीं का केला छोड़ा यार उसे मैंने। उसको तैयार करके मैंने कहा 2 मिनट यहीं पर रुक। उसके हाथ में चकली का पैकेट दिया मैंने। खाते रहना बोला था। खाते रहना कहीं कहाँ गायब हो गया। और प्रोग्रामों का पहला आइटम चालू करा दिया जाएगा चलिए।